यात्रा के वृंदावन में हरिदास जी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्जला एकादशी पावन पर्व दश मन दूध फल शरबत प्रसाद का वितरण किया। महामंडलेश्वर श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी ने कहा, निर्जला एकादशी के दिन जो कोई प्राणी जीवात्मा की सेवा करता है उसे निश्चित ही परम पद मिलता है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी बोलते हैं। साल में एक एकादशी आती है। महंत मोहिनी विहारी सरन महाराज ने बताया, प्रातः 8 बजे से संध्या बेला 1 तक परिक्रमार्थियों की सेवा करने का पूज्य सदगुरु देव जी स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद जी महाराज के आशीर्वाद प्रेरणा से कार्य प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम मुख्य रूप से उपस्थित रहे अखिल भारतीय विद्वान गो सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष वृंदावन दास जी, मोनू शर्मा, चिन्मय अग्रवाल और आदि लोग। इसी के दिन ये एकादशी बहुत ही हिंदू धर्म में महत्व रखती है। हम लोगों के लिए इस दिन एक दिन पहले से पूजन छोड़ के जो लोग वो करते हैं, दूसरे दिन पूर्ण उसे करने के बाद, दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही इसको फल प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसे भीम एकादशी भी बोलते हैं। और राजा हमारे वो अमरीश जी ये एकादशी करते थे और इस एकादशी के दिन राजा अमरीश जी ने इसे विशेष उनका एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए और उनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस एकादशी से कई कथाएँ जुड़ी हुई हैं। आज ही के दिन वृंदावन में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर आपको प्याऊ फल वितरण हो रहे हैं, कई जगह पर आप देख रहे हैं और सेवा के लिए कार्य चल रहा है, पूरी परिक्रमा चल रही है। इस कोरोना महामारी का यहाँ पर कोई प्रकोप नहीं है ब्रजमंडल में, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, राधा रानी की नगरी है। यहाँ अखिल भारतीय वृंदावन गौ सेवा समिति के राष्ट्रीय विकास पंडित भी साथ हैं आज, और श्री हरदास जी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में ये आज की प्याऊ करीब 4 क्विंटल करीब दूध की या ठंडाई बनाई गई और आज विशेष ये बड़ा ही लंबा लॉकडाउन रहा था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे। एक बार जब परिक्रमा में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं, कैसा आनंद देखने को मिल रहा है ये आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा महसूस हो रहा था कि लॉकडाउन में बिल्कुल ही वृंदावन सुनो, क्योंकि पर्यटक स्थली है, कोई व्यक्ति विशेष कोई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब बाहर से पर्यटक आते हैं तो यहाँ रोजगार खुलता है और यहाँ सभी लोग खुश हैं, चाहे केवट हों, चाहे माली परिवार से हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे उद्योगपति हों, क्योंकि यहाँ बाहर से जब पर्यटक आता है तब सभी सभी को खुशहाली आती है। हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं सर ठाकुर भारती बिहारी जी से, इस कोरोना महामारी को दूर करके सब लोगों को करें अपना आशीर्वाद।